Hello everyone, welcome back to my channel. I'm hoping that you know me. So I am Sushant Singh, a current PGP 1 student at IIM Visakhapatnam. So just a few days ago, I got a message from a guy and he showed me actually his first mock score and some text. So I am showing you actually. I took his permission, so I am using this, So you can see his mock score, total mock score 37 hai. एंड मैसेज क्या है लाइक भैया हाउ टू इम्प्रूव फियर ऑफ अनसर्टिनिटी लग रहा है ओके सो ये मैसेज ना एक्चुअली मेरा फर्स्ट मॉक याद दिला दिया लाइक मेरा भी सेम यही कंडीशन था मेरा फर्स्ट मॉक के स्कोर में तो इससे भी कम था इसका 37 है फिर भी ठीक है बट मेरा मॉक के स्कोर लाइक 24-25 था आई थिंक मेरे को जहाँ तक अभी याद आ रहा है फर्स्ट मॉक स्कोर 24-25 सो उस टाइम भी मुझे भी यही थॉट हुआ था कि लाइक मेरा क्या होगा मेरा तो कुछ नहीं हो सकता 24-25 में कितना परसेंट आई लाएगा ठीक है बट उस टाइम मेरे मेंटर थे उन्होंने गाइड किया कि ये कुछ नहीं है फर्स्ट मॉक में जस्ट आप समझो कि आप एक ऐसे बैठने के लिए दे रहे हो मॉक बिकॉज क्या होता है ना कि लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम होता है फर्स्ट मॉक में अब पहला प्रॉब्लम ये होता है कि आप यूज टू नहीं होते हो दो घंटे कंटिन्यूस बैठने के ठीक है ना तो पहला ये प्रॉब्लम होता है कि लाइक दो घंटे मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप मॉक देना वो यूज टू नहीं होते हो सो ये प्रॉब्लम होता है ऑब्वियसली बात है ठीक है तो ये एक प्रॉब्लम होता है सेकेंड प्रॉब्लम होता है कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि लाइक मॉक कैसे दे कैसे ना दे ये स्ट्रैटेजी नहीं है ठीक है ना तो ये प्रॉब्लम होता है दूसरा ये फिर थर्ड थिंग में और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है वो इंडिविजुअल है सो ये प्रॉब्लम होता है बट ओवर द टाइम जैसे जैसे आप मॉक दोगे वैसे वैसे ये कम हो जाएगा और डेफिनेटली मॉक स्कोर इम्प्रूव होगा जैसे मेरा हुआ ठीक है मेरा फर्स्ट 24 था लास्ट में मैंने मतलब आते आते 96.22 परसेंटाइल स्कोर किया कैट में सो ये धीरे धीरे होगा बस आप ये मॉक स्कोर को ज़्यादा अपने हेड पे मत लेना सीरियसली मत लेना मतलब आई मीन सीरियस तो लो बट ज़्यादा ही मत लो लाइक सोचो कि हाँ मेरा मॉक का स्कोर कम क्यों हुआ अगर ज़्यादा हुआ वेल एंड गुड आप उससे और इम्प्रूव करने का ट्राई करो अगर कम हुआ तो वहाँ देखो कि क्या मेरी गलतियाँ थी क्या मैंने क्या किया मेरा बैठने में कोई प्रॉब्लम था या फिर मेरे कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है जो भी है वो आप देखो एनालिसिस करो मॉक को कि क्या क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं था ओके उससे आप लर्निंग लो फिर आगे बढ़ो अगर आप 30-40 मॉक दोगे ना तो अल्टीमेटली आपका स्कोर इम्प्रूव होगा बिकॉज आप यूज टू हो जाओगे मॉक से सेट ऑफ क्वेश्चन ना एक टाइम के बाद रिपीट होने लगेंगे आपका मॉक स्कोर इम्प्रूव होगा कॉन्फिडेंस होगा आप डीडी पे अच्छा परफॉर्म करोगे बस ये मेक श्योर करो कि हम मॉक देना बंद मत करो जस्ट बिकॉज ऑफ कैट मॉक स्कोर ओके ये इंश्योर करो और कुछ नहीं बस एनालिसिस करो और मॉक स्कोर को उतना टेंशन मत लो मेरा भी फर्स्ट मॉक स्कोर में कम आया था सेकेंड फोर्थ में भी आई थिंक कम ही आया था बट धीरे 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 जैसे आप यूज टू हो जाओगे ना मॉक से तो कोई इशू नहीं होगा बस यही बोलने के लिए मैं ये वीडियो बनाया कि लाइक मॉक पहला मॉक स्कोर दूसरा मॉक स्कोर में कम स्कोर आता है ना तो डिमोटिवेट होते हैं लोग मैं भी हुआ था ऑब्वियस सी बात है मॉक आप इतना मेहनत कर रहे हो अगर स्कोर कम आ रहा है तो डिमोटिवेशन होगा ही डेफिनेट ह्यूमन बींग है और डिमोटिवेशन होना ऑब्वियस सी बात है ठीक है बट मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ सो आई वुड रिकमेंड कि आप ज़्यादा इसको सीरियस मत लो सीरियस लो थोड़ा बहुत बट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करो देखो प्रॉब्लम कहाँ है प्रॉब्लम पे काम करो ओवर द टाइम आप अच्छा करोगे डेफिनेटली अच्छा करोगे जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कैट रिलेटेड प्रिपरेशन इशू सो यू कैन पिंग मी मैं अपना इंस्टा आईडी और लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सो यू कैन रीच आउट मी सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब बिकॉज मैं प्रीशियस टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ सो थैंक यू बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग